ढाबा वेटर बना करोड़पति। एक गांव में आलोक नाम का व्यक्ति रहता था। वो ज्यादा पढ़ नहीं पाया था। कोई काम सीखने की कोशिश कर रहा था पर उससे कोई काम नहीं हुआ, इसलिए उसे उस गांव में कोई काम ही नहीं देता था। आखिरकार उस गांव में ढाबा चलाने वाला संतोष ने उस पर रहम खाकर उसे वेटर की नौकरी दी। आलोक बड़ी खुशी के साथ उस नौकरी में लग गया। जो ग्राहक ऑर्डर देते थे वो भूल जाता था, छोले की जगह चिकन लाकर देता था। हर रोज वो ग्राहकों से गाली सुनता था। एक दिन संतोष, देखो आलोक, तुम पर रहम खाकर मैंने ये नौकरी तुम्हें दी थी। तुम काम ठीक से नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हारे वजह से ढाबा का नाम खराब हो रहा है। कम से कम अब से जरा तैनात रहो। तब आलोक दुखी होकर, ठीक है साहब, अब से मैं ध्यान से काम करूंगा। एक दिन एक धनवान को आलोक ने टेबल पर लाकर चाय रखा। उसके बाद उसने जेब से नोटबुक निकाला और क्या चाहिए सर? कूल ड्रिंक, लस्सी, बादाम मिल्क या फिर कुछ और सर? उस आदमी ने आलोक के ऊपर चाय फेंका। क्यों रे नामा कूल, कोई चाय पीने के बाद ये सब पीता है क्या? तुझे नौकरी पे किसने रखा? आलोक उस गर्म चाय से हो रहे जलन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये देखकर संतोष बहुत दुखी हुआ। उस दिन रात को ढाबा बंद करने के बाद जब घर जा रहा था आलोक, तो संतोष आलोक से, ये लो आज के बचे कुचे रोटी और सब्जियां, इसे घर ले जाओ और खाकर सो जाओ। कल से मन लगा कर काम करना, तुम चिंता ना करो। आलोक अपने झोपड़ी में जाकर जो 7 रोटी ले गया था उसे खाने ही वाला था कि किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। इतनी रात को मेरे घर कौन आ रहा होगा भाई? यूं सोचते हुए आलोक ने दरवाजा खोला। उसे एक गेरुए वस्त्र पहनकर दाढ़ी मूछों के साथ एक साधु नजर आया। वो साधु आलोक से, मैं पड़ोसी गांव जा रहा था बेटा, रास्ते में अंधेरा हो गया, क्या कल सुबह तक मैं यहां सो सकता हूं बेटा? जरूर स्वामी, आप अंदर आइए। अपने लिए लाए रोटी को साधु को देते हुए, पता नहीं आपने कब खाया होगा स्वामी, ये रोटी खा लीजिए। उस साधु ने उन रोटियों को खाया। उसके बाद आलोक से साधु, बेटा तुमने अपने लिए लाए रोटी सब मुझे दे दिया, तुम चिंतित नजर आते हो, समस्या क्या है मुझसे कहो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। मैं अपने बारे में क्या बताऊं स्वामी जी, मैं बहुत मेहनत करके काम करना चाहता हूं पर मुझसे कोई काम होता ही नहीं है। भगवान ने मुझे अकल नहीं दी स्वामी, इसमें आप क्या कर पाएंगे स्वामी जी? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या करूं। बेटा कल से तुम्हारा किस्मत बदलने वाला है, तुम जो भी पकाओगे तुम्हारे हाथ का स्वाद बहुत मजेदार होगा और लोग बहुत पसंद करेंगे। तुम यूं ही मेहनत करो बेटा, तुम अति शीघ्र करोड़पति बन जाओगे। आलोक ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों रात को उसी झोपड़ी में सो गए। अगले दिन सुबह को जब आलोक ने नींद से उठकर देखा तो वहाँ पर साधु नहीं था। बाद में आलोक जिस ढाबे में काम करता था वहाँ गया। संतोष आलोक से, भाई आ गए, तुम्हारी राह देख रहा था मैं, बिना बताए रसोई ने आज काम पर आना छोड़ दिया। तुम तुरंत रसोई में जाओ और खाना बनाना शुरू कर दो, मैं ग्राहकों को संभाल लूंगा। क्या कह रहे हैं साहब, मुझे तो कस्टमर से ऑर्डर भी लेना ठीक से नहीं आता है, मैं क्या खाना पकाऊंगा? अब ये सब सोचने का वक्त नहीं है, ग्राहक आने वाले हैं, जाओ जाओ। आलोक डरते डरते किचन के अंदर गया। वो खुद नहीं समझ पाया कि सब्जी में क्या क्या डाल रहा है। उसके सामने जो डब्बा पड़ा था उसमें से सब कुछ डालने लगा। उसके बाद सहमा सहमा उसे ले जाकर कस्टमर के सामने रखा। सब ग्राहकों को आलोक के बनाए हुए खाना बहुत अच्छा लगा, सब उसकी खूब तारीफ करने लगे। आलोक समझ नहीं पाया कि ये सब कैसे हुआ। हर रोज हर एक से गाली सुनने वाले आलोक को सबकी तारीफ सुनकर खूब अच्छा लगा। तब उसे पिछली रात को जो साधु ने कहा था वो बातें याद आईं। उस दिन रात को ढाबा बंद करने का समय आ गया। संतोष आलोक के पास आया और, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो, शाबाश आलोक। तभी एक BMW कार आके ढाबा के सामने रुकी। उस कार में से एक सूट पहना हुआ आदमी उतरा और ढाबे के पास आया। वो संतोष से, अरे हमेशा 5-स्टार होटल में खा खा कर ऊब गया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे ढाबे में आया हूँ, तुम्हारे पास जो भी स्पेशल है सब ले आओ। आलोक ने 4 आइटम बनाए, उन्हें लाकर उसके सामने रखा। उस सूट पहने हुए व्यक्ति ने उन सबको खाया। उसके बाद आलोक से, भाई जिसने ये खाना बनाया है उसे जरा बुलाओ। ये सब मैंने ही बनाया है सर,
तब उस व्यक्ति ने आलोक को जोर से गले लगा लिया। तुम्हारा खाना खाया तो माँ की याद आ गई भाई, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं पैसे लगाऊंगा और तुम्हारे लिए एक स्टार होटल बनवाता हूँ, मुझे हर रोज ऐसे खाना बनाकर खिलाओ, बस काफी है। आलोक और संतोष बहुत खुश हुए। बहुत जल्द एक स्टार होटल बना। आलोक के हाथ का खाना खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बहुत जल्द बिजनेस खूब चलने लगा। आलोक करोड़पति बन गया। एक दिन आलोक रोल्स रॉयस में उस ढाबे के पास आया। संतोष को 2 करोड़ रुपए दिए और उसे प्रणाम किया। संतोष बहुत खुश हुआ। आलोक ने अपने मन ही मन में उस स्वामी जी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। इतना ही नहीं, आलोक अपनी कमाई से गरीबों को अन्नदान भी करने लगा। वुडन बस हेलीकॉप्टर। एक राज्य में सिंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सिंगापुर के लोग हर रोज सवेरे काम के लिए आसपास के शहर जाते थे। वो काफी व्यस्त रहते थे। उस गांव में 2 बस थे। एक मक्खन नाम के व्यक्ति का था। मक्खन का बस नया नया था, अच्छे कंडीशन में था। दूसरा बस लल्लन नाम के व्यक्ति का था। उसके बस का पेंटिंग भी नहीं था और एकदम बुरा हाल था। सब मक्खन के बस में ही जाते थे। अंदर जगह ना होने पर बस के छत पर बैठकर जाते थे। बचे कुचे लोग लल्लन के बस में जाते थे। आइए आइए, कम से कम आप लोग तो आइए, अब आप बस को धक्का देंगे तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ऐसा कहता था। तब वे उस बस को धक्का देते थे। फिर बस में बैठकर यही टेंशन रहता था कि कहीं रास्ते में बस कहीं रुक ना जाए। एक दिन मक्खन लल्लन से, यार ये तेरा क्या जिद है, तेरे दादाजी बस चलाते थे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तू भी उसी बस को चलाएगा। तुम अपनी दादी की बात छोड़ दो और किसी कबाड़ी को ये बस बेच दो। उन पैसों से कम एक हफ्ते के लिए तुम घर पर बिरयानी तो खा सकते हो। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस गांव का मैं ही किंग हूँ, तुम जोकर हो, ये बात समझो। ललन गुस्से से वहां से चला गया। दादी से, धत आज तुम्हारी वजह से मैं जोकर बन गया हूँ। दादी तुम कहती हो कि दादाजी का धंधा चलाओ, उसे संभालो, उनकी इज्जत को कायम रखो। अरे वैसे उन्होंने मुझे दिया क्या जो मैं उनकी इज्जत का ख्याल रखूं। जो 10 बस थे उन्हें बेचकर वो कहीं भाग गए। ये खटारा बस मेरे पल्ले बांधकर मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। पर दादाजी उन पैसों के साथ कहीं पर मस्ती कर रहे होंगे। अब इस बस का धंधा मैं और नहीं कर सकता। ऐसे ना कहो बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे दादाजी संकी जरूर है, पर वो बुरे आदमी नहीं है। मैं नहीं जानती कि उन्होंने बस क्यों बेचे और कहाँ गए, पर उसकी कोई ठोस वजह जरूर होगी, ये मैं कह सकती हूँ। ऐसे कह रही थी तो सारा घर एकदम से हिलने लगा, मानो कोई भूचाल आ गया हो। घर के सारे सामान नीचे गिरने लगे। दोनों डर गए। ये क्या दादी, अपने घर के नीचे की जमीन यूं क्यों कांप रही है, कोई हेलीकॉप्टर की आवाज भी सुनाई दे रही है। रुको मैं जाकर देख कर आता हूँ, कहकर बाहर गया। ललन घर के चारों ओर देखने लगा। एक जगह उसके पैरों के नीचे लकड़ी की आवाज आई। वहां से घास को हटाकर देखा तो वहां एक लकड़ी का दरवाजा था। ललन उस दरवाजे को खोलकर अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो वहां एक वुडन बस हेलीकॉप्टर था। वहां ललन का दादा चलन, हे चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे निकली अपनी सवारी, कहकर नाच रहा था। वो ललन को देखकर चौंक गया। ललन उनके पास गया। ए तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ आए कैसे, तुम अमेरिका से आए हुए जासूस हो ना, ठहरो मैं अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ, कहकर लकड़ी उठाया। दादाजी दादाजी रुको, मैं ललन हूँ आपका पोता, ये हेलीकॉप्टर क्या है, ये अमेरिका के जासूस क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ दादाजी। अरे ललन तू, मैंने तुझे
तब देखा था जब तुम बहुत छोटे थे, इसीलिए तुम्हें नहीं पहचाना। 20 साल पहले मैंने ये बस हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसके लिए मैंने अपने सारे बस बेच डाले। अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर कंपनी वालों को ये पता चला कि मैं बहुत कम खर्च पर एक हेलीकॉप्टर बना रहा हूँ। वो मुझ पर निगरानी करने लगे, वो मेरे प्रोजेक्ट को विफल करना चाहते थे बेटा, इसीलिए तब से मैं अंडरग्राउंड हो गया, तुमको भी नहीं दिखा। आखिरकार आज मेरी मेहनत रंग लाई है। सच पूछो तो बेटा, ये प्रोजेक्ट मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। मैं चाहता था कि तुम मेरी तरह बस चलाना छोड़कर ठाट से हेलीकॉप्टर चलाओ, यही मेरी इच्छा है। लालन बहुत खुश हुआ। अगले दिन ललन उस उड़न बस हेलीकॉप्टर को बस स्टैंड पर ले गया। उसे देखकर मक्खन चौंक गया। आओ भाई आओ, आपके लिए मैंने हेलीकॉप्टर बस बनाया है, अब से आप अपने काम पर चुटकी बजाते ही पहुंच जाएंगे। आपको सवेरे जल्दी उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब से बस के ऊपर बैठकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर 10 मिनट में एक ट्रिप लगाऊंगा, आइए बस में बैठिए और बस के दाम पर ही हेलीकॉप्टर में यात्रा करें, कहकर आवाज देने लगा। सब खुश होकर उस बस हेलीकॉप्टर में बैठ गए, वो उड़कर चली गई। यूं ललन कई ट्रिप लगाने लगा। मक्खन के बस में कोई भी नहीं बैठ रहा था। इस तरह ललन तीर्थ यात्रा पैकेज, फैमिली पैकेज वगैरह का प्रबंध करने लगा और लोगों को देश भर में घुमाने लगा। लोग उसके हेलीकॉप्टर में बहुत आनंद लेने लगे। बहुत ही जल्द ललन ने लाखों रुपए कमा लिया। ये देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद मक्खन ने अपना सारा जायदाद बेचकर एक सचमुच का हेलीकॉप्टर ले आया। ये देखकर ललन, अरे नामाकूल, मेरे दादाजी ने 20 साल लगाकर ये वुडन हेलीकॉप्टर क्यों बनाया जानते हो? ये लकड़ी का बना है तो पेट्रोल की खपत ज्यादा नहीं होगी, ऊपर से इसमें 40 आदमी को बिठा सकते हैं। तुम अपने हेलीकॉप्टर में 4 लोगों को भी नहीं बिठा सकते। इसे तुम शेयर सर्विस पर लगाओगे तो हर महीने पेट्रोल के लिए नित नए बैंक से लोन लेने होंगे, इसलिए मेरी बात मानो, इसे बेच डालो। तुम्हारा घाटा सिर्फ 30-40 लाख रुपए का होगा, उससे बस खरीद सकते हो, समझे? कहकर चला गया। मक्खन सिर पीटता रह गया।